स्टूडेंट्स बच्चों को मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया था चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। आज हम उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों? तो अपने अपनी नोटबुक निकालें और अपने साथ बुक बुक भी साथ में रख लें, और उसे भी उसका क्वेश्चन आंसर्स होगा, क्वेश्चन आंसर वाला पेज ओपन कर लें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ हाउस? वाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घर क्यों आवश्यक है? हमें घर की आवश्यकता क्यों है? वाई डू वी नीड अ हाउस? वी नीड अ हाउस टू कीप अवर सेफ फ्रॉम वेदर चेंजेस, एनिमीज, थीव्स, स्ट्रिंग एनिमल्स। हमें घर की आवश्यकता क्यों है? हमें सुरक्षित रहने के लिए, किससे? फ्रॉम वेदर चेंजेस, मौसम के बदलने से, जैसे सर्दी गर्मी बरसात होती है, तो उससे बचाने के लिए। एनिमी मतलब होते हैं आपके दुश्मन से, ठीक है? थीव्स चोरों से, और स्ट्रिंग एनिमल आवारा जानवर से बचाने के लिए हमें घर जो है ना हेल्प करता है, इसलिए हमें घर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम थ्री मटेरियल्स यूज फॉर बिल्डिंग अ हाउस। हमें घर बनाने के लिए कौन से तीन मटेरियल्स यूज होते हैं? फर्स्ट इज ब्रेक, सीमेंट एंड स्टील। ब्रेक, सीमेंट एंड स्टील, ठीक है? तो हमें थ्री मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेक, सीमेंट एंड स्टील, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन इज, चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, नेम थ्री परमानेंट हाउस। नेम थ्री परमानेंट हाउस एंड टेम्प्रेरी हाउस। नेम थ्री परमानेंट हाउस और टेम्प्रेरी हाउस। परमानेंट हाउस कौन से होते हैं? वो हाउस जो फिक्स होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किए सकते। और टेम्प्रेरी हाउस तो ऐसा होता है कि हम कुछ समय के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर उसे जाके दूसरे दूसरी जगह हम उसे फिर से बिल्ड कर सकते हैं। पर परमानेंट हाउस जो होता है, एक बार फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो परमानेंट हाउस के एग्जांपल कौन से हैं? सिंगल स्टोरी हाउस बैंगलोर्स एंड मल्टी स्टोरी हाउसेस, ठीक है? जो सिंगल स्टोरी हाउस होते हैं, एक छत वाले घर जो होते हैं, और बंगला, जिसे हम बंगला बोलते हैं बैंगलोर्स, और मल्टी स्टोरी मतलब जो होते हैं ना जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ठीक है ना? उसे हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स भी कहते हैं, मल्टी स्टोरी हाउस भी कहते हैं। अब आते हैं टेम्प्रेरी हाउस। टेम्प्रेरी हाउस मैंने जो बताया कि छोटे मतलब कुछ समय के लिए हम उसका अगर यूज़ चाहिए तो हम उस जगह टेम्प्रेरी हाउस बनाते हैं, जैसे टेंट, ठीक है? हाउस बोट, हाउस बोट होता है जो नाव में ये हाउस बनाए जाते हैं और वो पानी में फ्लोट करता है, उसे हम फ्लोटिंग हाउस भी कहते हैं। इग्लूज कहाँ पे होते हैं? ये बर्फ जो जहाँ पे बर्फ एरिया होता है ना, जहाँ पे बर्फ वगैरह होती है, उस जगह इग्लू इग्लू वहाँ पे इग्लू टाइप के घर बनते हैं, इसलिए उसे इग्लू, ठीक है? तो ये टेम्प्रेरी हाउस है, ये कुछ समय के लिए ही यूज़ करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु आर एस्किमोस? हु आर एस्किमोस मतलब होते हैं, हम एस्किमोस किसे कहते हैं? तो पीपल हु लिव इन इग्लूज। पीपल हु लिव्स इन इग्लूज आर नोन एज एस्किमोज, ठीक है ना? वो लोग जो इग्लू के अंदर रहते हैं उनको हम एस्किमोज कहते हैं, ठीक है? समझ में आया? चलिए बच्चों अब फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने कल आपको फोर क्वेश्चन तक गया, फिफ्थ क्वेश्चन बुक में थोड़ा सा करेक्शन है, उसे मैंने मैंने उसे करेक्ट कर लेना। चलिए देखिए, वाई डू वी वियर रेन कोट? वाई डू वी वियर रेन कोट इन रेनी सीजन? आपकी बुक में रेन कोट नहीं दिया गया, तो वाई डू वी वियर रेन कोट इन रेनी सीजन? तो वी आंसर क्या होगा? वी वियर रेन कोट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेनी सीजन, ठीक है? हमें बारिश के टाइम रेन कोट क्यों पहनना चाहिए, ठीक है ना? तो वी गेट रेन कोट, वी वियर रेन कोट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेनी सीजन। हमें गीला होने से रेन कोट क्या करता है, क्या करता है? बचाता है, क्योंकि रेन कोट क्या होता है? वाटर प्रूफ होता है, अंदर से हमें बचा कर ताकि हम गीले ना हों बारिश में, ठीक है? और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो गए। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इनको अब हम कल से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, ठीक है? आपके टेस्ट आ रहे हैं तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो हम रिवीजन इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। कल आपको ये इस चैप्टर आपको पढ़ के याद करके रखना है, कल मैं आपको उसमें रिवीजन वर्क दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा, अपनी रिवीजन कॉपी में स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।